अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? बनाने वाली हूँ खीर और पूरी बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लगेगा। और खीर वैसे ही बनाना है फिर, तो आप लोग देखो। तो खीर बनाने के लिए 1.5 लीटर मैंने दूध ली हूँ जो गर्माने रखी हूँ, और उसके साथ मैंने काजू बादाम पिस्ता चारोली ये सब फ्राई करके मैं रखी थी फ्रिज में, जो मैं रखती हूँ हमेशा। और ये जब ज़रूरत रहेगी वो जितना लेना है उतना लेंगे, मतलब थोड़ा ही लगेगा, कोई ज़्यादा नहीं लगेगा, इतना ही लगेगा। और चावल ली हूँ, 100 ग्राम उतना होगा चावल। और 100 ग्राम शक्कर ली, थोड़ी सी छोटी इलायची है, और मिल्क मेड ली हूँ। वैसे मैं डालती नहीं हूँ मगर अब के मैंने खास मंगाई हूँ। और ये पूरी का है घी और मैदा, मैदा ये 1 किलो है जिसमें से मैं थोड़ा बेलने के लिए लूँगी, और बाकी का आटा गूँध दूँगी। तो मैं गूँधते हुए दिखाऊँगी। तो दूध तो गर्माने रखी, जब दूध हो जाएगा तो उसमें फिर मैं चावल पीस के डालूंगी। ये चावल पीसना भी है, हाँ, नहीं तो ऐसे ही डाल देंगे। चावल पीसना है मोटा जाड़ा टाइप में, एकदम बारीक नहीं, थोड़ा दरदरा जैसा। मैं पीस के ही रखने वाली थी मगर मैं बोली दिखा दूँ और फिर पीस के डालने के टाइम दिखाऊंगी। तो ऐसा, तो मैं चावल पीस के और फिर जब दूध उबलेगा उस टाइम पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये दूध उबलने तक के मैं चावल पीसूंगी और आटा गूंदने के लिए मतलब उसको ले लूँगी प्लेट में। तो ये चावल मैंने पीस ली हूँ मगर ये पूरा चावल नहीं लेना है हमको, आधा ही लेना है। और मैं बीच में बनाते रहती हूँ तो जब भी मेरे को काम आ जाएगा, पूरा नहीं लेना है। देखो आधा मैंने रखी हूँ और आधा मैंने ली हूँ। तो ये 2 मुट्ठी समझो, 2 मुट्ठी चावल रहेगा। ये पीस ली मैंने और दूध भी यहाँ पे उबलने आ रहा है, जो सिलो पे मैं उसको अच्छा पकाऊंगी चावल डालने के बाद। तो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये हमारा दूध उबल रहा है तो इसमें ये चावल डाल दूंगी। कोई कोई चावल को पका के मतलब उसको घोट के फिर दूध में डाल के मतलब वो करते हैं, मगर मैं ऐसा करती हूँ, सबका अलग अलग स्टाइल है। सिलो पे ये पक ही रहा था दूध। तो अब इसको थोड़ा पकने देंगे, जब आधा चावल ऐसा लगेगा ना पक गया तब मैं इसमें शक्कर डालूंगी। तो ये चावल अभी तक गला नहीं है तो इसको गलने देंगे सिलो पे, फास्ट पे नहीं करेंगे, पूरा बह जाएगा। और जिसको ढकना है ढक सकते हैं, बाकी पूरा नहीं ढकना, आधा ही ढकना, मगर मैं इसको खुला रख के ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने आटा निकाल ली हूँ, 1 किलो था, 1.25 किलो आटा मैंने साइड में रखी हूँ, 1.25 किलो से भी थोड़ा सी कम होएगा जो साइड में रखी हूँ। और इसमें नमक डालेंगे, जो नमक दिखाना भूल गई थी, क्योंकि नमक तो डालते ही है आटे में, इतना तो सबको ही पता है अपने हिसाब से जितना जिसको लगता है स्वाद अनुसार। और ये रहा जीरा, ये नमक हो गया। अब नमक की जरूरत नहीं है, वरना इधर नमक जरा सी भी हवा हो गया तो हमारी खीर फट जाएगी।
और दूसरा इसमें थोड़ा मैं घी डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक चम्मच हो गया, दो चम्मच, तीन, चार, ये चम्मच, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको यहाँ रख दूंगी। और ये बेसन में थोड़ा सी बर्तन है, थोड़ा बोले तो दो प्लेट, दो या तीन प्लेट है, जो ये काम हो जाएगा तो घस लूंगी। और अभी इसको अच्छा पहले मिला लूंगी, उसके बाद में इसमें पानी डाल डाल कर भूनूंगी। कोई दूध भी डालता है इसमें, खास ये मतलब खीर के लिए ही, खाने के लिए नहीं बनी है, इसको कोई सालन भाजी के साथ भी खा सकते हैं, फिक्की पूरी बना रही हूँ ना, तो इसको हम पानी से ही भूनेंगे। घी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो डालें, नहीं तो फिर वो पानी डालने के बाद ना तो अच्छे से फिर गूंदने नहीं होता है। वैसे शायद इसमें और घी लगेगी, मगर मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा घी वाला, ज़्यादा तेल वाला हम लोग खाते नहीं हैं, मगर फिर इसको तो ऐसे भी तेल में अपने को फ्राई करना ही है, तो ये ऑलरेडी हेल्दी हो जाएगा, मगर घी सही है, थोड़ी डाली मैंने हिसाब से। एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ी हूँ और एक हाथ से मैं गूंद रही हूँ, सोची थोड़ा दिखा लूँ आप लोग को गूंदते हुए। वैसे तो एक ही हाथ से आटा गूंदती हूँ, मगर खास ऐसा कैमरा पकड़ के उसमें दिखाते हुए थोड़ा सी मुश्किल हो रहा है, मगर ये भी मेरा एक काम है तो मुझे करना है। अब पानी, हाथ का कंट्रोल करते हुए पानी डालें, वरना आटा ज़्यादा एकदम नरम हो जाएगा। तो अब मैं ऐसा करती हूँ, जैसे ये सब मैंने गूंदी हूँ, बाकी सब भी अच्छे से पानी डाल के इकट्ठा कर देती हूँ, और फिर आप लोग को जब ये एक जोड़ हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ। अब इसको थोड़ा चला लेंगे, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेगा, अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे ना, पूरा ध्यान आटे की तरफ होगा तो ये जल जाएगा। और इसको अच्छे से पकाना है, इसमें मिट्टी खुशबू है, बाकी एकदम वाली जो आती है ना मिठास वाली खुशबू, वो नहीं आ रही है, और अच्छा हो गया वैसे शक्कर कम ही लग रहा है, तो क्योंकि मुझे ये थोड़ा ये भी डालना है, थोड़ा क्या आधे ही डाल दूँगी, आधे से ज़्यादा जैसे लगेगा उसमें, मेरे को लगेगा ये मिठास ज़्यादा है क्योंकि इसका मीठे का मेरे को अंदाज़ है, बहुत मीठा रहता है, तो वो हिसाब से डाल दूंगी आधा। और साथ में मैं ये, वो भी रहा है मेरा काम, तो मुझे याद आया मैं उधर भी हाथ घुमा दूँ तो आप लोग को दिखाई, अभी आगे इसको मैं करके दिखाती हूँ। तो आटा हमारा हो गया है, अब इसको थोड़ा टाइम मैं ढक के रखूँगी, ढक के रख देंगे अब हम तो वो थोड़ा और अच्छे से सॉफ्ट और अच्छा बनकर, तो ये पन्नी होती है ना उससे मैं ढक दूंगी, क्योंकि अभी कपड़ा कुछ लगाने के लिए वो सही नहीं लग रहा मुझे, मैं तो पन्नी अच्छी है, ये खाने पीने के सामान पे मैं फ्री में लगाती हूँ। अच्छे से इसको अच्छे से इसको इसमें घुसाना है, पैक करना है, नहीं तो कहीं से भी खुला रहेगा तो फिर वो हिस्सा कड़क हो जाएगा, मतलब वो पापड़ी जैसा एक आता है ना उस पर, ये देखो मैंने अच्छे से इसको इस पर ढाक दी पन्नी, डालने वाले थैली में भी डालते हैं, कपड़ा लगाते हैं, अब मेरे पास सुविधा थी इसकी तो मैंने सोची कि इसी को लगा दूँ, नहीं तो कपड़ा तो मैं भी लगाती हूँ। तो इसके अंदर रह के और अच्छे से उसका बैटर अच्छा होगा। और साथ ही में
हम हमारी खीर के पास भी आ जाते हैं। आटा तो आराम कर रहा है, उसको आराम करने देंगे। और तो अच्छे से गली गया चावल, मगर मैं चाहती हूँ और मैं और उसको पकाऊँ। और ये इलायची जो है, जो मैं कूट के डालने वाली थी, उसको कूट के नहीं डालूँगी मैं, ऐसे ही डालूँगी, क्योंकि वो मुँह में आते रहता है ना उसका दाना, अगर अच्छे से एकदम बारीक नहीं हुआ तो फिर वो बच्चे मेरे परेशान हो जाते, खाते नहीं है, और आदमी भी वैसी, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही डालूँगी तो डायरेक्ट उठा के फेंकने आता है वो। ठीक है, ये ऐसा ये लेंगे और इसमें डाल देंगे, क्योंकि खीर तो हो ही गई है 80%, और 20% ऐसी उसको थोड़ा सी पकाने के हिसाब से मैं रख रही हूँ। और इलायची सिर्फ खुशबू के हिसाब से मैंने उसमें डाली हूँ, इलायची का कोई उतना वो नहीं है, नहीं भी डालेंगे तो चलता है, हम लोगों को तो पसंद ही नहीं है इलायची का, थोड़ा सी महक के हिसाब से। और थोड़ा मैं ये डाल दूँगी, तो लगभग मैंने इसको 3 चम्मच डाल दी हूँ, और जो पहला चम्मच था मैंने उसमें अच्छा ज़्यादा भर के डाली थी, मतलब 4 चम्मच पकड़ के चलो। और ये डालने के बाद और प्यारा लग रहा है, और इसको अब मैं इसका लॉक खोलती हूँ और इसको भी डाल देती हूँ, तो फिर फाइनल होके वो खुद ही पकते रहेगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो इसका लॉक खोलती पहले, तो मैंने ये खोल दी हूँ और इसमें डालूँगी, बस आधा ही डालूँगी, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आधा ही मैंने डाली हूँ। और बिगर मिल्क मेट का भी बनाती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ये है तो मैं खीर बना रही हूँ, ये तो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही मंगाती हूँ इसको कोई भी मीठे पे डालने के लिए, मगर इसके लिए मैंने खास ऐसा सोची के डालूँ, ये तो हो तो गया है। और मैं इसको 2-5 मिनट बस पका लूँगी और ये फाइनल है। इसका चावल अच्छे से गल चुका है जैसे आप लोग देख रहे हैं, और जब ये बंद हो जाएगा ठंडा होते होते इसमें थोड़ा गाढ़ापन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ये सब यहाँ से जो सामान है ये सब हटाती हूँ, ताकि मुझे रोटी बेलने के लिए यहाँ जगह हो पूरी बेलने के लिए, क्योंकि इसी किचन पे आटा भी बेलूँगी मैं इसीलिए। तो खीर हो गई है फाइनल, और जो मैंने इलायची डाली थी सिर्फ खुशबू के हिसाब से उसको मैं निकाल लूँगी। तो ये मैंने इलायची निकाल दी, और दिखेगी तो और निकाल दूँगी, पूरी तो निकल गई है शायद। बराबर है, जितनी डाली थी उतनी निकाल दी मैं, 9 डाली थी 9 मेरे पास है इधर। तो ये बन गई है, इसको फाइनल अभी मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ, और अब मैं पूरी की तरफ जा रही हूँ पूरी बनाने के लिए। तो पूरी बनाते हुए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये इस तरह का ये बनाना है, पेड़ा छोटे छोटे बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखो इससे छोटा जिसको चाहिए इससे भी छोटा कर सकते हैं। ये हो गया, इसी तरह से मैं और भी बनाऊंगी,
और कढ़ाई मैंने रख दी गरम के लिए, इसमें मैं अभी तेल डालूंगी। पहले दो तीन पेड़ा बना देती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ, फिर तेल तेल डालती हूँ। ठीक है, और ये पन्नी पन्नी दिखाओ, ये पन्नी जो इस पर ढाकी थी वो मैंने फेंकी नहीं, रखी हूँ क्योंकि अच्छी है। इसको अभी वापस मैं ढाकूंगी क्योंकि वो कड़कपन आ जाता है ना उस पर, तो जो हिस्सा नहीं अभी बना रही हूँ उसको मैं ढक के रखूंगी, तो इसीलिए। घर में खाना है छोटा बड़ा ऐसा कुछ वो नहीं है, जो काम जल्दी हो जाए अच्छा भी लगे वैसा कर देने का। कोई कोई एक साथ बड़ी बना देता है, उसमें चार छह ऐसी छोटे छोटे निकालते हैं गिलास या किसी कोर वाले का लेकर, और मैं बड़ी बना देती हूँ एक साथ ऐसा अच्छी। छोटे भी बनाई हूँ बड़े भी बनाई हूँ, कोई भी शेप ऐसा कुछ वो एक ही शेप नहीं है। और ये जो है इसको पीछे सरका के रखेंगे और इसको ढाक देंगे, और जो बाकी का है फिलहाल यूज में नहीं आ रहा है उसको भी ढाकेंगे, और नहीं भी ढाके तो फर्क नहीं पड़ता, अभी हमको बनाना ही है। ढाक देने से सेफ्टी हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पर सरा कर दी और इसमें डाल दूँ तेल, फिर मैं पटला और बेलन लेती हूँ। तो कोई भी काम करे तो पहले बिस्मिल्लाह बोलो, बस ये 1 किलो उतना तेल रहेगा इसमें। ठीक है, और ये मैंने आटा ली और मैं पटले और बेलन लगा के बेलते हुए आप लोग को दिखाती हूँ। तो ये मैं बेल रही हूँ, वैसे बेल दी मैंने यहाँ पर दो, फिर मुझे याद आया कि दिखाना है इसीलिए थोड़ा मैं बोली दिखा भी लेती हूँ, जिसको नहीं आता है वो सीख सकता है। और मैं तो इसको आटा लगा के बेलती हूँ, कोई कोई इसको तेल लगा के भी बेलता है, तो अपने ऊपर है। मगर ज़्यादा एकदम नहीं लगाना है आटा, लिमिट में लगाना है, ऐसा नहीं आटे वाली पूरी पूरी होगी। अच्छे से ऐसा गोल 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 बेलना है। आखिरी में कोशिश करो आटा नहीं लगाने का, क्योंकि फिर तेल में ना आटा आटा दिखता है, जो शुरू में लगा दिए उसी में एडजस्ट करना है। और आप लोग देख रहे होंगे मेरी पूरी ज्यादा बड़ी है, ये ज्यादा बड़ी मैंने बनाई हूँ, मैं इतनी बड़ी बनाती हूँ, कभी कभार छोटी बनाती हूँ। तो ये मैं एक और बेल लेती हूँ, फिर आप लोग को तल के दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक और है, दो बेली हुई है और ये 1-3 हो गई है, तो मैं एक और कर दूंगी 4, फिर आप लोग को बेल के बताती हूँ। 4 सेकते होता हूँ, दिखाओ इधर रोटी पे बराबर दिखाओ, जिसको नहीं आता है वो सीख सकता है। अभी एक्स्ट्रा आटा नहीं लेना क्योंकि हमारा तेल खराब हो जाएगा, और इसीलिए कोई कोई बिगर आटे का ही इसीलिए तलते हैं, तेल खराब नहीं, तेल के साथ मतलब रोटी बेलते हैं, मगर मैं ऐसे ही बेलती हूँ जिसमें मुझे आसानी लगती। और ये मैं अपने स्टाइल का बता रही हूँ, तो मैं कैसा करती हूँ वो दिखाऊंगी, और कोई और किसी और के स्टाइल का बताऊंगी तो मैं
जब बोल दूंगी कि हाँ मैं इनके जैसा कर रही हूँ ऐसा, ठीक है। तो ये हमारी बेल लीफ होगी, तेल गरम हुआ तो है और यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे इस तरह से आटा थोड़ा सा डाल कर। तो मैं आप लोग को पूरी डाल के बताती हूँ। तो ये मैं पूरी डाल रही हूँ तेल में, और फिलहाल मैंने इसको पतली बनाई हूँ, थोड़ा क्रिस्पी टाइप में होए, ठीक है। जाड़ी बनाएंगे ना तो वो नरम नरम रह जाएंगे, नरम भी अच्छी लगती है, बड़ी थोड़ी हल्की क्रिस्पी टाइप में मैंने सोची। और मेरी पूरी अच्छी खासी पूरी अच्छे से फूकती है, पतले में तो इतनी नहीं फूकेगी जितनी मैं जाड़ी बनाती हूँ ना, तो फूकती है पतली, वो पापड़ के टाइप में होती है ना, मतलब थोड़ा क्रिस्पी में, देख रहे होंगे आप लोग। और ये हिस्से में जो नहीं हुआ है, हम जब यहाँ पे हो जाएगा ना फिर इसको थोड़ा उठा के कर लेंगे, और तेल है तो संभाल के करना चाहिए। और ऐसा चार चार मैं रख के नहीं बेलती हूँ, हो जाएगा तो फिर चार मैं बेलूँगी फिर तलूँगी, वैसा नहीं करती हूँ, एक बेलती हूँ और एक तलती हूँ। तो जिसको खाना है मतलब हाथों हाथ खाना भी चालू रहता है, तो इसीलिए इसको मैं आप लोग को दिखाने के हिसाब से ऐसा वाला तलती हूँ। हमारे चिमटे का मुंह थोड़ा आगे से वो हो जाता है पकड़ने में, तो ये तेल उतारने के लिए मैंने इसको लिया। और इसको यहाँ रख देंगे, कटोरा लियो पूरी के लिए, और फिलहाल ये छन्नी पर ही है और इसको भी यहीं रखूंगी क्योंकि अभी मैं दूसरी पूरी डाल रही हूँ। चुमटे से नहीं ये पलटाती हूँ, चम्मच से पलटाती हूँ, फिलहाल चम्मच मुझे दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको ले ली, नहीं तो पूरी मैं कभी इससे नहीं करती हूँ। वैसे ये भी आसानी है, मगर उसमें क्या होता है एक ही चम्मच में तुम छान भी लेंगे और एक ही चम्मच में पलटा भी लेंगे, बर्तन की भी बचत होगी और मैं उसमें तलती हूँ तो मुझे उसका अंदाज दिख नहीं रहा, तो मैंने सोची कि रहने देती हूँ, टाइम खोटा नहीं करूँ। तो आप लोग देख ही रहे होंगे ये क्रिस्पी वाली, तो आप लोगों को एक मैं जाड़ी वाली भी बना के बता दूंगी पूरी। ये हो गई है, अब ये वाली जो है ये रख देंगे, ये लेंगे देख रहे हो ना ऐसा फूल रही है वो, ये फूलने का मतलब होता है आटा तुम्हारा अच्छे से गूंदे है और अच्छे से चीज बनी है, ये उसकी पहचान है। तो उसको हम
ज़्यादा आइटम लाल नहीं करेंगे, ये देखो बराबर है, इतना ही देना आपको, और ज़्यादा लाल हो गया ना तो फिर वो जली जली लगेगी, और वाइट वाइट भी नहीं रखना है ताकि पेट में जाए और पेट दुखे। और कैमरा मेरा बेटा पकड़ा है, जिसको देखना चाहते हो आप लोग तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ, कहाँ से दिखाओ, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर रहा है वो। छन्नी में हमने डायरे के निकाल दिए और इसको इसमें डाल दिया, देती हूँ एक जाड़ी वाली, इसको सिलो कर देंगे, बंद नहीं करेंगे वरना तेल हमारा ठंडा हो जाएगा। और मेरे बेटे का हाथ थोड़ा दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत टाइम से पकड़ा है, तो मेरे बेटे के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना जिसने पकड़ा है उसके लिए। जैसे कि मैंने बोली बाद में तेल नहीं लगाना, नहीं तो पूरा आटा तेल में रहेगा, मेरा तेल देखो कितना साफ है, दिखा दे, हाँ क्योंकि मैंने बाद में आटा नहीं लगाई, और यही वजह होती है जो वैसा तेल से बेलते हैं कि इतना तला हुआ तेल नहीं खराब होना चाहिए, ओके। और ये थोड़ी मैंने जाड़ी वाली बनाई हूँ, जो छोटी भी बनी है थोड़ी उसके मुकाबले में, तो ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इसको मैंने कर दी वापस पास, और ये रहा इसमें। देखो ये इज्जत रख ले, फूल जाए, नहीं तो जब भी मैं बोलती हूँ ना ऐसा तो वो फूलती नहीं है किसके भी सामने, कैमरे में तो फूल जाना चाहिए। देखो फूल गई, इज्जत रख ली मेरी पूरी ने, तो ये अच्छी खासी फूल गई है और बहुत प्यारी लग रही है, जैसी फूल जाती है ना तो वो हो जाता है। देख रहे हो ना कितनी खुली है, अब दिखने में भी इतनी प्यारी लग रही है, तो आप लोग देख रहे हैं ये हो गई है पूरी, जिसमें बहुत सारा तेल अंदर बैठा है, और मैं इसको निकाल के रहूंगी। देखो देख रहे हैं, वो उसके वजन से मालूम पड़ जाता है कि इसमें तेल बहुत बैठा है, और हल्की पूरी निकलेगी, मतलब ये मैंने फोड़ी हुआ क्योंकि मुझे तेल निकालना था, कि तेल निकालना ज़रूरी है, और तेल है इसमें, देखा मैं बोलने में ही हूँ और वो निकला, देख रहे हो ना, तो ये होता है। और ये मैं सिलो कर दूँगी क्योंकि अभी पेड़ा बनाना है, फिर मुझे बेलना है, तो मैं आप लोगों को इसको प्लेट में डाल के बताती हूँ। तो ये रही मेरी खीर जो मैंने प्याली में निकाली कटोरी में, और ये रही पूरी जो अच्छी खासी अभी भी फूली है, ऐसा नहीं कि ठंडी हो गई तो इसकी फुला हुआ कम हो गया है, वो बहुत अच्छी लग रही है, और उतनी ही मतलब क्रिस्पी भी है, सॉफ्ट भी है, देखो देखो आवाज़ आ रही है ऐसा, तो मैं तोड़ के बताई हूँ। तो अभी मैं ये दिखा रही हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ, फेस दिखा देती हूँ एक मिनट। तो आप लोगों को मेरी खीर पूरी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना अच्छे अच्छे तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।